Hi everyone, welcome to UPSC 2023 paper analysis. देखते हैं अब की बार पेपर कैसा आया. काफ़ी टफ था कंपैरेटिवली, और इस बार तो यूपीएससी ने सरप्राइज ही कर दिया. एकदम नया पैटर्न, एकदम नया सब कुछ. ऐसे पैटर्न ही पुराना था जो पहले क्वेश्चन आते थे 2013 से पहले का. अगर आप पेपर उठाओगे तो पहले ऐसे ही इसी पैटर्न में क्वेश्चन आता था. तो यूपीएससी हैज़ प्रूवन अगेन कि इट इज़ ऑल अबाउट अनसर्टेनिटी. यूपीएससी हमेशा ऐसे सरप्राइजेज आपको देता ही है, तो यू शुड बी रेडी फॉर दैट बिकॉज दैट इज़ वॉट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर. अगर आप यू पी एस सी सर्विसेज में जाने की बात करें, आई एस सर्विसेज में जाने की बात करें, तो आपको वहाँ पर भी ऐसे ही ग्राउंड लेवल चैलेंजेस को फेस करना है. वहाँ पर भी जाकर आपको यही देखना है कि कैसे जो डे टू डे चैलेंजेस हैं वो सेम नहीं होते, दे आर वेरिंग. तो उस तरीके से आपको खुद को कैसे ढालना है कि कोई अचानक से सिचुएशन आ जाए तो सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करोगे, कैसे बिहेव करोगे. तो बेसिकली यूपीएससी दैट इज ऑल अबाउट. तो आपको डिसहार्टन नहीं होना है, क्योंकि अगर थोड़ा सा इंटेलिजेंस लगाकर पेपर सॉल्व करते तो ये इजीली सॉल्व हो जाता. तो आपको इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है. लेट जस्ट गो थ्रू, देखते हैं कौन सी मिस्टेक आपने की है, जहाँ पर सुधार का स्कोप था लेकिन फिर भी क्वेश्चन गलत हो गया, या फिर हम वो भी देखते हैं कि जहाँ पर क्वेश्चन आउटराइटली आप उसको छोड़ सकते थे जो कि आउट ऑफ द बॉक्स था. क्योंकि कुछ क्वेश्चन, चार पांच क्वेश्चन यूपीएससी हमेशा ऐसा डालता ही है, गूगली फेंकता ही है कि कोई भी इसको क्लियर ना कर सके, अंटिल अनलेस किसी ने बहुत ही ज़्यादा पढ़ रखा हो. बट इट हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस, क्योंकि ऑप्शंस ऐसे थे कि एलिमिनेशन टेक्निक तो थी ही नहीं. तो जिन लोगों का गेस वर्क अच्छा रहता था या जो एलिमिनेशन टेक्निक में अच्छे थे, तो उनके लिए भी थोड़ा सा बुरा लग रहा है क्योंकि वो यहाँ पर काम नहीं आएगी. चलो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट जस्ट स्टार्ट विद आवर डिस्कशन फ्रॉम क्वेश्चन वन. ये सेट बी है तो हम सेट बी को देखें. ठीक है, पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. झेलम रिवर पासिस थ्रू वुलर लेक, कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स करेरू लेक, मेंटरिंग ऑफ गंधक रिवर फॉर्म कन्वर लेक. तो अगर आपने पढ़ा हो अच्छे से तो आपको पता होना चाहिए वुलर लेक, झेलम रिवर, ये दोनों जे एंड के में है. कृष्णा रिवर और कोलोरू लेक भी दोनों आंध्र प्रदेश में है. बट यू हैव टू बी वेरी श्योर कि क्या कृष्णा रिवर कोलोरू लेक को फीड करती है कि नहीं, या फिर क्या झेलम रिवर वुलर लेक को फीड करती है कि नहीं, उसके थ्रू पास होती है कि नहीं. तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स सही हैं. हम देखते हैं कौन कौन सी दो स्टेटमेंट्स यहाँ पर सही है. तो यहाँ पर हम देखते हैं जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, झेलम रिवर पासेस थ्रू वुलर लेक. यस, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि जो मेन रिवर का सोर्स है, पानी का सोर्स है वुलर लेक के लिए, दैट इज झेलम रिवर ओनली. बट जो कृष्णा रिवर है वो डायरेक्टली कोलोरू लेक को फीड नहीं करती, क्योंकि ऑल दो दोनों आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड हैं बट वो वहाँ से पास नहीं होती. और जो कि स्टेटमेंट नंबर थ्री है, द लेक इज़ फेड डायरेक्टली कन्वर लेक, सॉरी, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि लार्जेस्ट, एशिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है. एंड ये एक तरह से कन्वर झील भी इसको बोला जाता है. ऑक्सबो लेक होता है ना, जो कि वो जो मेन रिवर होता है उससे अगर कोई चैनल कट जाए तो यहाँ पर एक ऑक्सबो लेक फॉर्म हो जाता है. ये फॉर्म होता है जब मेंटेनिंग ऑफ रिवर्स का कोर्स ज़्यादा होता है, जब रिवर ऐसे 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 चल रही होती तो वो कट जाता है एक सोर्स, तो उसको ऑक्सबो लेक बोलते हैं. तो जहाँ पर कॉन्फ्लुएंस तीन रिवर का बनता है, गंधक, बिया एंड करेह रिवर में, कन्वर लेक में, तो यस, गंधक इज वन ऑफ दैट. सो दैट इज वॉट हैज मेड दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट करेक्ट. नेक्स्ट इज अबाउट, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. कामराजर पोर्ट, यू हैव टू टेल कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज वेल नोन एज फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया रजिस्टर्ड एज अ कंपनी. मुंद्रा पोर्ट, लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट इन इंडिया. विशाखापट्टनम पोर्ट, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया. तो अगर आपने थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ी हो, यहाँ पर लिखा हो लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट ऑफ इंडिया, तो आपको देखना है दिस फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया रजिस्टर्ड एज अ कंपनी. तो यहाँ पर देखना है जो कामराजर पोर्ट है, ये बिल्कुल फर्स्ट इंडिया का रजिस्टर्ड पोर्ट है. सेकेंड पोर्ट है मुद्रा पोर्ट, ये प्राइवेटली ओन पोर्ट है. लेकिन विशाखापट्टनम पोर्ट इज़ नॉट द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट, क्योंकि जो अगर हम विशाखापट्टनम पोर्ट की बात करें, ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को बिलोंग करता है, तो इट इज़ नॉट द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट इज अबाउट, कंसिडर द फॉलोइंग ट्रीज. जैकफ्रूट, महुआ, टीक, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर डेसीडियस ट्रीज. तो आपको बताना है कितने डेसीडियस ट्रीज हैं. तो यहाँ पर भी दो ही डेसीडियस ट्रीज हैं. देखते हैं कौन कौन से हैं डेसीडियस ट्रीज. डेसीडियस ट्रीज अगर आपने पढ़ा है ज्योग्राफी के में से क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट में से, क्लास 11 में, महुआ, टीक, ये डेसीडियस फ्रूट है. लेकिन जैकफ्रूट आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन ट्री है, ना कि डेसीडियस ट्री. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इंडिया हैज़ मोर एरिएबल एरिया देन चाइना.
Then the proportion of irrigated area is more in India as compared to China. The average productivity per hectare in Indian agriculture is higher than that of China. How many of the above are correct? तो यहाँ पर भी आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है. तो क्या इंडिया के पास ज़्यादा एरिएबल एरिया है? बट फर्स्टली यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एरिएबल एरिया, कि जितना एरिया अवेलेबल है इरीगेशन के लिए. तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि चाइना के पास ज़्यादा एरिया है. बाकी दो स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं क्योंकि इंडिया के पास है 156 मिलियन हेक्टेयर्स और चाइना के पास 120. इंडिया के पास ज़्यादा एरिया है लेकिन जो इरीगेटेड प्रोपोर्शन है वो इंडिया के पास ज़्यादा है लैंड का. चाइना का इरीगेशन 41 कवर करता है और इंडिया का एरिया 48% कवर करता है. लेकिन इंडिया में प्रॉब्लम ये आती है इरीगेशन में इतने लैंड होने के बावजूद भी कि वहाँ पर जो एग्रीकल्चर एवरेज प्रोडक्टिविटी इरीगेशन है वो बहुत ज़्यादा कम है. दैट इज़ वॉट हैज़ मेड दिस पर्टिकुलर थिंग कि चाइना से कम है हमारी इरीगेशन. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रिपीटेड फॉल्स इन सी लेवल गिविंग राइज टू प्रेजेंट डे एक्सटेंसिव मार्शलैंड. तो आपको बताना है प्रेजेंट एक्सटेंसिव मार्शलैंड है ऑफ कोर्स रन ऑफ कच्छ, क्योंकि पहले ये सबसाइडेड था सी के अंदर. तो जिस लेकिन बाद में जब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ड्राई स्पेल्स आए या फिर काफ़ी ज़्यादा पानी आया, तो ये पानी या ड्राई वेट एंड ड्राई स्पेल्स इसकी वजह से ये एक मार्शलैंड बन गया और ये सबसे बड़ा मार्शलैंड भी है क्योंकि पहले एक बार अरेबियन सी का पार्ट था लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अरेबियन सी से इसका कट ऑफ हो गया जिसकी वजह से अब ये वेटलैंड भी बन गया है. एंड इट इज़ अ हैबिटेट फॉर मैनी ऑफ द स्पीशीज जैसे फ्लेमिंगो, वाइल्ड एसीज या दूसरे मेजर स्पीशीज ऑफ द बर्ड्स. एंड ऑल्सो ऑफकोर्स इट इज़ अ मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन दिस पर्टिकुलर स्टेट ऑफ गुजरात. नेक्स्ट इज अबाउट एल्यूमिनाइट एंड रुटाइल अबंडली अवेलेबल इन कोस्टल ट्रैक्ट्स ऑफ इंडिया आर रिच सोर्सेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. अब बताना कौन से एलिमेंट का ये सोर्सेज हैं. ऑब्वियसली इट इज़ ऑफ टाइटेनियम. इट इज़ अ डायरेक्टली साइंस क्वेश्चन, तो आपको ये देखना है कि इसके अंदर दोनों के अंदर टाइटेनियम कंटेनिंग मिनरल्स होते हैं एंड ये केरल एंड तमिलनाडु में फाउंड होते हैं. टाइटेनियम स्ट्रॉन्ग लाइट वेट मिनरल होता है जो कि एप्लीकेशन में काफ़ी काम आते हैं जैसे कि एयरक्राफ्ट, मेडिसिन इम्प्लांट्स या ज्वेलरी में भी. एंड इट इज़ ऑल्सो यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ टाइटेनियम ऑक्साइड, वाइट पिगमेंट यूज इन पेंट्स, प्लास्टिक्स एंड पेपर. नेक्स्ट इज अबाउट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स कोबाल्ट, अ मैटर रिक्वायर्ड फॉर द मैनुफैक्चर ऑफ बैटरीज फॉर इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल इज प्रोड्यूस्ड बाय, ऑब्वियसली इट इज प्रोड्यूस्ड बाय डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. तो यहाँ पर US जियोलॉजिकल सर्वे हुआ था तो उसमें बताया गया था जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है वो 130,000 मेट्रिक टन ऑफ कोबाल्ट प्रोड्यूस करता है 2022 में, जो कि 70% है ग्लोबल प्रोडक्शन का. ऑब्वियसली कोबाल्ट इज द मेजर एलिमेंट इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और जो डिमांड है मेटल की वो भी एक्सपेक्टेड की राइज ही करेगी. जैसे कि अब हम अपना जो रेन्यूएबल एनर्जी सोर्स की तरफ जा रहे हैं, हम कोल का इस्तेमाल कम करते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ पर कोबाल्ट का बहुत ज़्यादा मेजर यूज़ होगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज ऑफ द कोंगो बेसिन. तो आपको यहाँ पर देखना है कोंगो बेसिन का कौन सा पार्ट है. तो यस, कैमरून इज द पार्ट. इज ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन है सो यू कैन जस्ट सी विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ द कोंगो बेसिन. दिस इज कैमरून एंड दिस इज कोंगो बेसिन. तो यहाँ पर ये सब आता है. इसके अंदर और भी देखते हैं कॉन्गो बेसिन में कौन कौन आता है. कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो एंड रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. अमरकंटक हिल्स आर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विंध्य एंड सह्याद्री रेंज. नो, दैट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. बिलिगिरिनम हिल्स कॉन्स्टिट्यूट द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द सतपुड़ा रेंज. शेषलम हिल्स कॉन्स्टिट्यूट द सदर मोस्ट पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स. नो, शेषलम हिल्स अगर आपने पढ़ा हो यहाँ पर शेषलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है तो इट इज पार्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स. तो यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है. ये बेलीग्राम हिल्स ये सतपुरा रेंज में नहीं आती. इसको देख लेते हैं ये कौन सी रेंजेस में आ रही है. जो बेलीग्राम रेंज है इट इज़ पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स ऑफ द कर्नाटका स्टेट, ना कि सतपुरा. सतपुरा आपके सेंट्रल इंडिया में आती है. नो, ये कर्नाटका का पार्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट विद रेफरेंस टू इंडियाज़ प्रोजेक्ट्स ऑन कनेक्टिविटी डिस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर अंडर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट कनेक्ट दिब्रू एंड सूरत. दिस स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट. ट्राइलेटरल हाईवे कनेक्ट्स मोर इन मणिपुर एंड चियांग इन थाईलैंड वी आर म्यांमार डिस्ट्रिक्ट में. ऑल्सो इनकरेक्ट. बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर्स कनेक्ट्स वाराणसी यूपी विद कन्वीनियंट चाइना. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट. अगर आपने पढ़ा हो तो यहाँ पर ये कोलकाता से कनेक्ट कर रही है बंगाल में, ना कि वाराणसी से यूपी में. और अगर आपने गोल्डन कॉरिडोर के पॉइंट्स भी देखे हो तो फिर ये सिलचर को कनेक्ट करती है टू पोरबंदर. ट्राइलेटरल हाईवे कनेक्ट करता है मोर इन मणिपुर टू मायसलॉट इन थाईलैंड वी आर म्यांमार. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट स्टेटमेंट्स.
India, despite having high uranium deposit, depends on coal for most of its electricity production. Obviously, we know we have abundance of uranium, but हम कोल के ऊपर ही डिपेंडेंट है क्योंकि वो सस्ता मिल जाता है. सेकेंड स्टेटमेंट इज यूरेनियम इनरिच टू द एक्सटेंट ऑफ एटलीस्ट 60% इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. क्या हमें 60% का इनरिचमेंट चाहिए यूरेनियम का? नो, दिस स्टेटमेंट इज क्रॉस, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि कोई स्पेसिफाइड नहीं है कि हमें कितना इनरिचमेंट होना चाहिए. तो दैट वॉट मेक्स दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इनकरेक्ट एंड फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. सो योर ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 12. Marsupials are not naturally found in India. Marsupials are can thrive only in mountain grassland with no predators. तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो बिकॉज ये फोना बेस्ड क्वेश्चन, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो यू कैन जस्ट लीव इट. तो मार्सुपल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया, ये स्टेटमेंट करेक्ट है. मार्सुपल कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रास लैंड विद नो प्रिडेटर, ये गलत है क्योंकि दे थ्राइव इन ग्रास लैंड. मार्सुपल जैसे कि कैंगरूज होते हैं तो ये हर एक वेटलैंड ग्रासलैंड में भी सर्वाइव करते हैं एंड येस इनका प्रेडेटर्स भी होता है क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में मिलते हैं, इसलिए इंडिया में नहीं मिलते. एंड ये काफ़ी वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स होता है, ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं डेजर्ट्स में, फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड्स में, दूसरे हैबिटेट्स में भी इसका ये पाए जाते हैं. जो प्रेडेशन है इनका नेचुरल पार्ट है क्योंकि इसके ऊपर ही ये डिपेंड होते हैं अपने खाने पीने के लिए. क्वेश्चन 13. इन्वेसिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप दैट डेवलप ग्लोबल इन्वेसिव स्पीशीज डाटा बेस बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन. अगर आपको पता हो तो सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन था, IUCN का है. IUCN रेड डाटा लिस्ट भी जारी करता है तो स्पीशीज बेस्ड है तो आप इसको थोड़ा सा एलिमिनेट कर सकते थे. अगर आपको कोई भी आइडिया नहीं हो तो आप अगर तुक्का भी मारते इस क्वेश्चन में तो भी IUCN ही करते आई गेस, अगर आप इंटेलिजेंट गेस करते थोड़ा सा. सो दैट वॉट मेक्स दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कंसिडर द फॉलोइंग फोना. लाइन टेक टेल्ड मकाओ, मालाबार केवेट, सांबर डियर. हाउ मेनी ऑफ द अबव आर नॉक्टर्नल एंड मोस्ट एक्टिव आफ्टर सनसेट. सनसेट के बाद कौन से एक्टिव होते हैं? ओनली टू. तो यहाँ पर मालाबार केवेट एंड सांबर डियर ये बोथ आर एक्टिव आफ्टर सनसेट, लेकिन लाइन टेक मकाओ ये डायरूनल है. तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाता है. तो यहाँ पर आपका सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म वेगल डांस टू देयर किन टू इंडिकेट द डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टू अ सोर्स ऑफ देयर फूड. ये हनी बीज का काम होता है. ये एक झुंड बना लेती हैं. सपोज अगर इन्होंने रेक्टेंगल ऐसे ट्राइंगल की शेप में बनाया तो दैट मीन्स दे आर पॉइंटिंग टूवर्ड द डायरेक्शन कि इधर आपको खाना मिलेगा. एंड ये डिस्टेंस भी बताती है कि कैसे कितना डिस्टेंस रहा है, कितना डिस्टेंस है आपके खाने और आपके बीच में. तो हर एक चीज़ ये बताती है क्योंकि जितने ज़्यादा नंबर होंगे, सपोज दो नंबर है तो दे विल इंडिकेट कि कितना वेगल पर मिनट इंडिकेट करता है कि कितना डिस्टेंस है आपका फूड सोर्स से. तो एक तरह से कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, बट इनका कम्युनिकेशन है तो इनके लिए आसान है. कम्युनिकेशन इज जस्ट अ वे कि आप दूसरे की बात समझ सको, अपनी बात समझा सको. तो ये चीज़ें इनके हनी बीज बहुत बखूबी कर रही है तो इसलिए इनका ये काम बड़ा बढ़िया चल रहा है और ये वेगल डांस करके भी दिखाते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. सम मशरूम हैव मेडिसिन प्रॉपर्टीज. येस करेक्ट. सम मशरूम्स हैव साइको एक्टिव प्रॉपर्टीज, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. सम मशरूम्स हैव इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. सम मशरूम्स हैव बायोलुमिनेसेंट प्रॉपर्टीज, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. तो मशरूम्स का काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आता रहता है कि इंसेक्टिसाइड हो रही है, नुकसान भी करती हैं, बट इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी हैं. तो ये आप ईजिली क्वेश्चन आउट कर सकते थे. तो इसके ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियन स्क्विरल. दे बिल्ड नेस्ट बाय मेकिंग बरोज इन द ग्राउंड. दे स्टोर देयर फूड मटेरियल लाइक नट एंड सीड इन द ग्राउंड. ऑब्वियसली दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. दे आर ओमनीवोर्स. यस दे आर ओमनीवोर्स. तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट. फर्स्ट स्टेटमेंट इज क्रॉस क्योंकि नेस्ट बिल्डिंग बरोज में ही बनाती है, पेड़ के अंदर बनाती है ना कि उसमें ग्राउंड में. ओके. क्वेश्चन 18. सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन एनवायरमेंट विद टेम्परेचर अबव द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. बिल्कुल करेक्ट. सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन एनवायरमेंट विद टेम्परेचर बिलो. ऑब्वियसली दैट इज ऑल्सो करेक्ट. सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन हाईली एसिडिक एनवायरमेंट. हाँ, सम डाला यूपीएस सम मीन्स कुछ तो करती होंगे ना. इतने लाखों करोड़ों सैकड़ों वी हैव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वी हैव कीड़े मकोड़े, तो कुछ तो सब थ्राइव करते होंगे ना एट द टेम्परेचर अबव बियरेबल लिमिट एड और या फिर चाहे वो एक्सट्रीम हॉट हो या फिर एक्सट्रीम कोल्ड हो. तो येस ऑल दिस स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है. जैसे ओरंगटल्स हैं, यहाँ ये इंटेलिजेंट प्राइमेट्स है रेन फॉरेस्ट में, साउथ ईस्ट में. एंड इनका माना जाता है कि ये मोस्ट सॉरी जैसे सम ऑर्गेनिजम्स है ग्रो इन्वायरमेंट के जो टेम्परेचर में
थ्राइव कर रहे हैं, जैसे बैक्टीरिया स्टेन है या फिर बैक्टीरियम, बेसिकली बैक्टीरिया के ही जो मेजर साइंटिफिक इनके नाम है वही थ्राइव कर रहे हैं, जो साइंटिफिक बैक्टीरियाज हैं, कुछ टिपिकल बैक्टीरियाज हैं, डू थ्राइव इन एक्सट्रीम कंडीशंस। विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स अ टूल विद अ स्टिक टू स्क्रेप इंसेक्ट्स फ्रॉम अ होल इन द ट्री और अ लॉग ऑफ अ वुड? तो ये है ऑरेंगटन, ये बेसिकली आपका मिलता है रेन फॉरेस्ट ऑफ बोर्नियो एंड सुमात्रा, और ये स्किल्ड नॉन टूलर्स होते हैं। जैसे ह्यूमंस आर स्किल्ड मैन, दे आर स्किल्ड बींग, स्किल्ड पर्सन जो टूल्स बनाते हैं, तो अगर हम नॉन ह्यूमन्स की बात करें तो ये ऑरेंगटन्स हैं, ये आर द नॉन स्किल्ड नॉन, दे आर स्किल्ड नॉन ह्यूमन एनिमल्स। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर हाइड्रोकार्बन्स यूज, कितने में हाइड्रोकार्बन्स यूज होते हैं? एरोसोल्स, फॉर्म एजेंट्स, फायर रिटार्डेंट्स एंड लुब्रिकेंट्स। आई गेस लुब्रिकेंट्स में ये यूज़ नहीं होता, बाकी तीनों में यूज़ होता है, तो इसका देख लेते हैं। येस, द लुब्रिकेंट्स में यूज़ नहीं होता, क्योंकि लुब्रिकेंट सब्सटेंसेज होते हैं जो रिड्यूस करता है फ्रिक्शन बिटवीन मूविंग पार्ट्स, और हम जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं वो बेसिकली प्रोपेलेंट्स में होता है, स्प्रेज में, इनहेलर्स में बनाया जाता है, फॉर्म एजेंट्स में भी होते हैं, फायर रिटार्डेंट्स में भी इसको बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम डिपॉजिट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द इन्वेस्टर्स इन इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स बट द डिविडेंड इज टैक्सेबल, इन्वेस्टर्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज बोरोवर्स अंडर द सरफेस एक्ट। ये सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि ये इनकम टैक्स की तरह लगता है, जैसे हम नॉर्मल इनकम टैक्स पे करते हैं तो उसकी तरह ये वैलिड होता है। तो यस, स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट सेकेंड इज करेक्ट। इसकी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी हुई है, क्योंकि हमारे पास दो टाइप ऑफ रिटर्न्स होते हैं, इसके अंदर डिविडेंड इनकम होता है एंड कैपिटल गेन्स होता है, टैक्स ऑन डिविडेंड या इंटरेस्ट इनकम होता है। जैसे कि हम इनकम टैक्स रेट फाइल करते हैं तो अपना इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग हम करते हैं, हर साल रिटर्न भरते हैं। कैपिटल गेन टैक्स होता है कि अगर आप उस पर्टिकुलर एसेट को सेल कर रहे हो, अगर वो 3 साल से ज़्यादा है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होगा, तो उसके ऊपर 10% चार्ज होगा, अगर वो शॉर्ट टर्म है तो उसके अकॉर्डिंगली वो चार्ज किया जाएगा। अभी रिसेंटली इसमें अमेंडमेंट किया है, इसको सरफेस एक्ट में भी इंक्लूड किया जाता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इन द पोस्ट पेंडेमिक रिसेंट पास्ट मेनी सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड वाइड हैड कैरिड आउट इंटरेस्ट रेट्स हाइक। येस, ऑब्वियसली उन्होंने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया था, क्योंकि ये बेसिकली मॉनिटरी पॉलिसी टूल होता है, फिजिकल पॉलिसी टूल होता है, जहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि जो लिक्विडिटी पोजिशन है कंट्री में वो स्टेबल हो सके, या जो लिक्विडिटी है कंट्री में वो कम हो सके, इसलिए यहाँ पर वर्ल्ड वाइड इंटरेस्ट रेट हाई कैरी किया गया था। सेंट्रल बैंक जनरली अज्यूम दैट दे हैव द एबिलिटी टू काउंटरैक्ट द राइजिंग कंज्यूमर प्राइजेज विया मॉनिटरी पॉलिसी, ऑब्वियसली दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो येस, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इसकी करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं है, ऑल दो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि जो सेंट्रल बैंक है वो मॉनिटरी पॉलिसी टूल करते हैं, यूज़ करते हैं इंटरेस्ट रेट का, ताकि जो मनी सर्कुलेशन में है वो बैलेंस आउट हो सके। अगर इंटरेस्ट रेज कर रहा है सेंट्रल बैंक, तो फिर वो बिजनेसेस के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहा है, कंज्यूमर के लिए वो बोरो कर सकते हैं, बट ये इकोनॉमी को स्लो डाउन करता है एंड हमारी इन्फ्लेशन भी कम होता है। एंड जो इन दिस केस जो सेकेंड स्टेटमेंट है, बिकॉज ये करेक्ट एक्सप्रेशन है, बिकॉज एक्सप्लेन वाई सेंट्रल बैंक हैव रेज इंटरेस्ट रेट इन द पोस्ट पेंडेमिक रिसेंट पास, सो दैट इज वॉट दिस पर्टिकुलर ए स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कार्बन मार्केट्स, तो कार्बन मार्केट्स आर लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड टूल्स इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। ट्रू, कार्बन मार्केट ट्रांसफर रिसोर्स फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू द स्टेट, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड येस, जो स्टेटमेंट सेकंड ऐसी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि कार्बन मार्केट्स बनाया जाता है जहाँ पर हम कार्बन सीक्वेंसिंग भी करते हैं, ताकि हमारा हम उतना अगर हम पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं तो हम उतनी ज़्यादा कुछ ऐसी मार्केट भी क्रिएट करें जो कि उसको कवर अप कर दे। सपोज अगर हम 100 मेट्रिक टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमें ऐसा जुगाड़ लगाना है, ऐसा कुछ वे आउट करना है कि हम 100 मेट्रिक टन ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाली चीज़ भी वहाँ पर लगा दें। ओके, तो यहाँ पर कार्बन मार्केट्स आए हैं, जॉर्डन पहली कंट्री बन चुका है जिन्होंने बिल्ड किया है हाई एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि वो उसको ट्रांजैक्ट कर सके ग्रीन हाउस गैस एमिशन में। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑफ द आरबीआई कंसीडर द पार्ट ऑफ स्टेरिलाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन बाय द वर्ड इटसेल्फ यू मीन की कट ऑफ करना, तो कट ऑफ तो हम तभी करेंगे जब ओपन मार्केट में हम शेयर इशू करेंगे या पब्लिक सिक्योरिटीज इशू करेंगे, ताकि जो आरबीआई है या सेंट्रल बैंक है वो लिक्विडिटी मार्केट से कम कर सके, सो दैट इज अ पार्ट ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन कैपिटल मार्केट्स, तो आपको बताना है कौन से इंक्लूड है कैपिटल मार्केट्स में। तो यहाँ पर अगर हम देखें गवर्नमेंट बोर्ड एंड स्टॉक मार्केट कैपिटल मार्केट में आता है, लेकिन कॉल मनी मार्केट एंड ट्रेजरी बिल बाकी शॉर्ट टर्म के लिए होता है और कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए होती है। तो ये दोनों एक्सक्लूड हो जाएंगे और ये वाला ओनली टू सही हो जाएगा। तो दैट इज ऑल्सो डायरेक्ट क्वेश्चन, यू शुड नो इट, इकोनॉमिक्स का डायरेक्ट क्वेश्चन है क्लास 11 से। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड। बेसिकली इसमें क्या होता है, कुछ फार्मर्स एक ग्रुप बना देते हैं अपना और अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं एंड ऐसी टेक्निक्स यूज़ करते हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस यूज़ करते हैं ताकि उनका लाइवलीहुड चलता रहे और ज़्यादा नुकसान भी ना हो। दैट इज़ वॉट द कंसेप्ट ऑफ स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड मीन्स ये बेसिकली उड़ीसा में चल रहा है, जहाँ पर 112 फार्मर्स एक साथ आए हैं, 35 फीमेल्स एंड 75 मेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स MSP फॉर नाइजर सीड्स। नाइजर इज कल्टिवेटेड एज अ खरीफ क्रॉप, सम ट्राइबल पीपल इंडिया यूजेस नाइजर सीड ऑयल फॉर कुकिंग। अगर आपने न्यूज़ फॉलो किया तो उसके अंदर एक बार ये न्यूज़ पेपर में आया था, तो दैट इज़ अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन ऑल्सो, अगर हमने पढ़ा है तो पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो नहीं पढ़ा, क्योंकि ये नाइजर इतना कॉमन सुनने में नहीं आता, सो दैट इज़ अ ट्रिकी क्वेश्चन। तो येस, इसमें ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग एसेट्स, ब्रांड रिकॉग्निशन, इन्वेंट्री, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स। हाउ मेनी ऑफ दिस आर कंसिडर इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट। इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट होते हैं जिसको आप देख नहीं सकते। तो यहाँ पर ब्रांड रिकॉग्निशन है आपका इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स है, इन्वेंट्री नहीं है। इन्वेंट्री आपका स्टॉक होगा, स्टॉक तो आपका फिजिकली रहेगा ना, तो ये चीज़ें नहीं आएगी। तो दिस इज ऑल्सो अ इंटेलिजेंट क्वेश्चन, गेस वर्क, अगर आप कर सकते थे ये क्वेश्चन भी आपका सही हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट फॉर द हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन, द 15th फाइनेंशियल कमीशन यूज्ड हाउ मेनी ऑफ द अबव एज क्राइटेरिया अदर देन पॉपुलेशन एरिया एंड इनकम डिस्टेंस। तो बताना है कौन सा उन्होंने यूज़ किया है। तो यहाँ पर उन्होंने तीन पर्टिकुलर चीज़ों को यूज़ किया है, फॉरेस्ट, डेमोग्राफिक एंड टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट्स। 15th फाइनेंस कमीशन है, उन्होंने पॉपुलेशन, एरिया, इनकम डिस्टेंस, डेमोग्राफिक, फॉरेस्ट, टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट को बताया है। गवर्नमेंट रिफॉर्म्स एंड स्टेबल गवर्नेंस इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया में नहीं आते। कंसिडर द फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स, कौन कौन से हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, अफोर्डेबल हाउसिंग, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर, रिन्यूएबल एनर्जी। अब इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तीन ही आएंगे, अगर हमें पता हो, अफोर्डेबल हाउसिंग, रिन्यूएबल एंड हेल्थ केयर इसके अंदर आता है। एंड जो नहीं आता वो है रैपिड ट्रांसपोर्ट। रैपिड ट्रांसपोर्टेशन डज नॉट कम अंडर द पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर क्राइटेरिया। अगर आपने पर्टिकुलर UNOPS AS31 जो इनिशिएटिव है इसके बारे में पढ़ा है, जिसको स्टार्ट किया गया है 2018 में, एंड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट सोलर पावर में भी प्लांट्स इंस्टॉल किए गए हैं नाइजीरिया में, एंड एक हॉस्पिटल भी बनाया गया है अफगानिस्तान में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन्स। ड्यू प्रोसेस बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, UPSC ने पहले भी पूछा था, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के ऊपर आता है, जो कि UK इसको इस्तेमाल करता है। इंडिया में ड्यू प्रोसेस ऑफ प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ इंडिया में अप्लीकेबल होता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इन इंडिया प्रिजन्स आर मैनेज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट विद देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिजन्स। In India, prisons are governed by Prison Act 1994, which expressly kept the subject of prisons in the control of provincial governments. So, yahan par dekhte hain kaun sa statement correct hai, then kaun sa explanation correct hai. Yes, dono statement correct hai and statement 2 iski right explanation hai. Kyunki jo act hai, wo state governments ko power deta hai ki wo rules banaye, regulations banaye, and ye Prison Act 1894 ke andar hi aata hai. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट चीफ पर्पज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पज़ तो बेसिकली वही है ना, कि हमें स्टेट की पावर को लिमिट करना है, क्योंकि अगर हमने स्टेट को ज़्यादा पावर कर दी तो वो इन्फ्रिंज करेगा सिटीजन्स के राइट को। तो बेसिकली इट डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट। ये बेसिकली DPSP का भी पार्ट है, दैट इज़ वाई DPSPs भी प्रोवाइड किए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स भी इसलिए प्रोवाइड किए गए हैं, एंड ताकि हम जो स्टेट है उसके ऊपर कुछ कंट्रोल लगा सके, कुछ उनको रिस्ट्रिक्ट कर सके, उनकी पावर को रिस्ट्रिक्ट कर सके। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मेन एम यही है।
In India, which of the following constitutional amendment was widely believed to be enacted to overcome judicial interpretation of the fundamental rights? तो basically ये first amendment में आया था, क्योंकि जो first amendment है वहाँ पर बताया गया था कि जो भी several changes है constitution के, चाहे वो amendment इसी particular fundamental rights के लिए क्यों ना हो, वो 1915 में पास किया गया था एंड वो judicial interpretation से related किया गया था. काफ़ी ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट थे दैट वॉज कॉन्ट्रेरी टू द फंडामेंटल राइट्स, तो उनको मद्देनजर रखते हुए फर्स्ट अमेंडमेंट को लाया गया था ताकि फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगाया जा सके. अब आप अगर आपके पास राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, डजंट मीन आप कुछ भी बोलोगे, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ क्राइटेरिया का ध्यान देना है. यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस हैं, वो लिमिटेशंस हैं बेस्ड ऑन पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया. तो ये क्राइटेरिया आपको ध्यान में रखना है. क्वेश्चन 35, कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन बॉडीज इन इंडिया. नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल लॉ कमीशन, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजिडुअल कंडीशन. विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज. अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की बात करेंगे तो तीनों आपकी स्टैचुटरी बॉडीज हैं, और लेकिन जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज है ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. जब ये मंडल कमीशन आया था उसके बाद इसको बनाया गया था, और ये डायरेक्टली पॉलिटिकल क्वेश्चन है लक्ष्मीकांत से, अगर आपने पढ़ा हो. 1950 में इसको बना दिया गया था. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इफ द इलेक्शन ऑफ प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय सुप्रीम कोर्ट, ऑल एक्ट डन बाय हिम और हर इन द परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटीज ऑफ इन और हर ऑफिस ऑफ प्रेजिडेंट बिफोर द डेट ऑफ डिसीजन बिकेम इनवैलिड, दैट इज करेक्ट. ऑब्वियसली जब तक वो प्रेजिडेंट है उसने चाहे जो भी काम किया है वो वैलिड रहेगा. जब से डिक्लेयर किया है वॉइड उसके बाद से वो वैलिड नहीं रहेगा. इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी पोस्टपोन्ड ऑन द ग्राउंड दैट सम लेजिस्लेटिव असेंबली हैव बीन रिजॉल्व्ड, दैट इज बुलशिट. व्हेन अ बिल इज रिप्रेजेंटेड टू द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट विद इन विच शी हैज टू डिक्लेयर द एक्शन. ऑब्वियसली नॉट, हमारे पास कोई लिमिटेशन नहीं होती किसी टाइम की, कितने पर्टिकुलर टाइम में हमें पर्टिकुलर बिल को पास करना है. तो यहाँ पर तीनों ही स्टेटमेंट्स गलत हो जाती हैं. Consider the following with reference to money bill and finance bill. When the Lok Sabha transmits the finance bill to the Rajya Sabha, it can amend or reject the bill. When the Lok Sabha transmits money bill to the Rajya Sabha, it cannot amend or reject the bill. It can only make recommendations. In case of disagreement, there is no joint sitting for money bill, but a joint sitting becomes necessary for finance bill. तो ये तो गलत ही है, क्योंकि यहाँ पर joint sitting का कोई भी provision नहीं होता है. और जो राज्यसभा है वो सिर्फ अमेंड और रिजेक्ट कर सकती है एंड ये सिर्फ रिकमेंडेशंस दे सकती है, विच लोकसभा में एक्सेप्ट और में रिजेक्ट. दैट इज होली डिपेंड अपॉन लोकसभा. और जो लोकसभा है अगर वो ट्रांसमिट कर रहा है मनी बिल को राज्यसभा के, ये सिर्फ रिकमेंडेशंस दे सकती है. तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. और जो आर्टिकल अगर हम बात करें तो मनी बिल में जो कि राज्यसभा लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकता है, राज्यसभा भी सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकता है बट कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट इट. ज्वाइंट सिटिंग का कहीं पर भी प्रोविजन नहीं है, ना मनी बिल में या फाइनेंस बिल में. Consider the following statements. Once the central government notifies India as community reserve, तो ये community reserve के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है. Community reserve, conservation reserve, environment based question है ये. The chief wildlife warden of the state becomes governing authority of such forest. Hunting is not allowed in such area. People of such area not allowed to collect non-timber forest produce. ये इसमें कुछ limited amount में होता है. People of such area allowed traditional agriculture practices. Yes, this particular statement is correct. यहाँ पर हंटिंग भी अलाउड नहीं होती. तो एक बार देख लेते हैं, एक तरह से प्रोटेक्टेड एरिया है एंड यहाँ पर कम्युनिटी रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी बनाया गया है जो कि रिस्पॉन्सिबल है, ना कि चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन. एंड यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं लोकल कम्युनिटी के, स्टेट के एंड सेंट्रल गवर्नमेंट से. यहाँ पर कलेक्शन ऑफ नॉन फॉरेस्ट टिम्बर एकदम से आउटराइटली मना नहीं है, बट रेगुलेटेड वे में आप कर सकते हो. ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इनकी चलती है गिवन द कंडीशन कि आपको कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ करना है. विद रेफरेंस टू स्केड्यूल एरियाज, विच आर द फॉलोइंग आर करेक्ट. विद इन अ स्टेट द नोटिफिकेशन ऑफ एरिया एज स्केड्यूल एरिया टेक्स प्लेस थ्रू एन ऑर्डर ऑफ प्रेजिडेंट. ओके, द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर्मिंग द स्केड्यूल एरिया इज अ डिस्ट्रिक्ट एंड लोअर स्टेट इज द ब्लॉक, दैट इज करेक्ट. द चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न स्टेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट्स टू यूनियन मिनिस्ट्री फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्केड्यूल एरियाज. नो, चीफ मिनिस्टर नहीं आएगा यहाँ पर, गवर्नर आएगा. तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अंडर आर्टिकल 244A जो कॉन्स्टिट्यूशन है प्रोवाइड करता है शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में. प्रेजिडेंट के पास पावर है, वो डिक्लेयर करता है. बिल्कुल करेक्ट. सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट कि स्मॉलेस्ट यूनिट ब्लॉक है, लार्जेस्ट यूनिट डिस्ट्रिक्ट है. एंड जो थर्ड स्टेटमेंट है वहाँ पर गवर्नर करता है.
क्वेश्चन 40, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ हेल्ड इन सब जजमेंट्स दैट रिजर्वेशन पॉलिसीज मेड अंडर आर्टिकल 16 सबसेक्शन 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी लिमिटेड बाय आर्टिकल 335 फॉर मेंटेनेंस ऑफ एफिकेसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द टर्म एफिकेसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. नो, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन नहीं करता, तो यहाँ पर से पहली स्टेटमेंट ही करेक्ट है. फिर यू कैन गो थ्रू द एक्सप्लेनेशन कि आर्टिकल 335 बताता है कि अगर उनके जो क्लेम्स हैं एससी ट्राइब्स के एस टी के, उनको कंसिडरेशन में देना है. एंड कंसिस्टेंसी विद द मेंटेनेंस ऑफ एफिकेसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड करता है कुछ जजमेंट्स में जो रिजर्वेशन पॉलिसीज हैं जो कि मेंटेन किए गए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, इनको आर्टिकल 35 में लिमिटेड किया गया है. दैट मीन जो रिजर्वेशन पॉलिसीज हैं कि वो इस तरीके से बनानी है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन में एफिकेसी को हार्म ना करें. एंड ये कहीं पर भी टर्म डिफाइन नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन वॉज ध्यानकाटा विच फ्लरिश एज अ प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर अंडर द महासांख्यस लोकेटेड. तो ये आंध्रा में है, ये आपका बेसिक आर्ट एंड कल्चर क्वेश्चन है. ये एक तरह से टाउन है अमरावती में, गुंदर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में. एंड बेसिकली ये कैपिटल थी सतवाना किंगडम के टाइम पर. आचार्य नागार्जुन थे जिन्होंने माध्यमिक बुद्धिज्म को फॉर्म किया था, वो कि ही इज़ द लार्जेस्ट ग्रेटर फिलोसफर्स ऑफ इंडिया दैट हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड. तो उसके बेस पर ही ये चीज़ें लाई गई थी. विद रेफरेंस टू एशियन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कंसेप्ट ऑफ स्तूपा इज बुद्धिस्ट इन इट्स ओरिजिन. नो नो, जो कंसेप्ट ऑफ स्तूपा है वो प्री बुद्धिस्ट ओरिजिन है, बुद्धिज्म से पहले भी था ये. स्तूपा वो जनरली एट रिपोजिटरी ऑफ रिलैक्स था स्ट्रो, क्योंकि जब बुद्धा की डेथ हुई थी तो उनके बाद स्तूपा बनाया गया था ताकि उनके रिलैक्स, उनकी जो भी स्मृतियाँ हैं उनको आप संजो के रख सकें. स्तूपाज आर वोटिव एंड कमेमोरेटिव स्ट्रक्चर. तो यस, बोथ टू एंड थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग रेफरेंस टू साउथ इंडिया, कोरकई पुरंबर मुछरी. मुछरी अगर आपको याद हो ये पोर्ट सिटीज़ हैं ऑन द संगम पीरियड, तो अगर आपने पढ़ा है तो आप इजिली इसको एलिमिनेट कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द प्रैक्टिस ऑफ वटा किरुक्कट्टल मेंशन इन द संगम पॉइंट्स. तो बताना है कि कौन सा प्रैक्टिस ऑफ वटा किरुक्कट्टल को माना जाता है. तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम बात करें, इट इज़ अ पर्टिकुलर स्टोरी जहाँ पर बताया जाता है कि अगर किंग बैटल में हार गया तो वो रिचुअल सुसाइड करेगा बाय स्टार्विंग हिमसेल्फ टू डेथ. इट इज़ बेसिकली सिमिलर टू द प्रैक्टिस ऑफ संथारा जो जैनिज्म करते हैं. संथारा प्रैक्टिस अगर आपने पढ़ा है जैनिज्म, तो उसके बेसिस पर ये होता है. इट इज़ काइंड ऑफ सिमिलर टू दैट. कंसिडर द फॉलोइंग डायनेस्टीज, होयसाला, गादवालिया, ककटिया, यदवा. जो द फॉलोइंग एस्टैब्लिश द किंगडम इन द अर्ली 18th सेंचुरी. तो यहाँ पर किसी ने भी अर्ली 18th सेंचुरी में किंगडम इस्टैब्लिश नहीं की थी, क्योंकि बाय द अगर हम बात करें 8th सेंचुरी मेजर पॉलिटिकल पार्टी उस टाइम त्रिपटाइट स्ट्रगल में थी. दैट वॉज गुर्जर, प्रतिहारा, पालाजन, राष्ट्रकूतास. होसाला डायनेस्टी 10th सेंचुरी में बनी, गंधावा बनी है 11th में, ककटिया बनी है 12th में, यादवा बनी है 13th सेंचुरी में. तो अगर आपने अच्छे से ध्यान से मेडिवल हिस्ट्री पढ़ा है तभी आप इसका रिप्लाई कर सकते हो, आंसर कर सकते हो. अदरवाइज यू कैन लीव दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. विद रेफरेंस टू एशियन इंडियन हिस्ट्री बताना है किसका लिटरेरी वर्क किसका है. तो अगर आपने कोई भी नहीं सुना हुआ लेकिन मेन इन दीपाना नागार्जुन सुना है, दैट इज़ करेक्ट. देवी चंद्र गुप्तम बिल्हाना, दैट इज़ इनकरेक्ट. नित्य मित्रा, सोमा देवी सूरी, हमीमारा, महाकव्या, नाया चंद्रा सूरी. एक बार चेकआउट कर लेते हैं, क्योंकि देवी चंद्रा है विशाखा दत्ता ने लिखा है, बाकी सब स्टेटमेंट्स करेक्ट है. सो दर नॉट ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट लाइफ बट ऑल्सो ऑफ रॉक्स, रनिंग वाटर एंड मैनी अदर नेचुरल ऑब्जेक्ट्स नॉट लुक डोन लिविंग बाय अदर रिलिक्स. ये है जैनिज्म का कंसेप्ट. इज डायरेक्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये बेसिकली आपका जनरल डे टू डे लाइफ से भी वेरी करता है. अगर आपने देखी हो जैनिज्म के प्रैक्टिस, दे यूज टू कवर देयर माउथ्स ऑल्सो विद वाइट टेप, ताकि बिकॉज दे टेंड टू बिलीव कि दे ऑल्सो कंटेन सोल्स, क्योंकि जो है वो सोल्स कंटेन करते हैं, तो इसीलिए दे हैव कवर्ड देयर फेसिस, दे हैव कवर्ड देयर माउथ्स. वाई दे आर कंसिडर, बिकॉज उनका कंसेप्ट ऑफ जीवा आता है. जीवा का मतलब होता है कि इस पर्टिकुलर हवा में भी कीटाणु है, जो कीटाणु है उसमें भी आत्मा है, तो हम किसी भी आत्मा को कंज्यूम नहीं कर सकते. दैट इज़ वाई दे यूज टू कवर देयर माउथ, बिकॉज वो सोल थ्योरी में बिलीव करते हैं, कि उनका मानना है हर एक जीव जंतु, हर एक प्राणी, चाहे वो लिविंग है नॉन लिविंग, एवरीथिंग कंटेन्स अ सोल. विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ विजयनगर एम्पायर कंस्ट्रक्टेड डैम अक्रॉस तुंगभद्रा रिवर एंड अ कनाल कम एडिक्वेट सेवरल किंगडम्स along the river to the capital city, that was Devaraya one, क्योंकि इन्होंने अपने किंगडम बड़ा करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए ये लेकर आए थे. इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो किंगडम है काफ़ी सेवन किलोमीटर्स लंबा डैम यहाँ पर बनाया था.
हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मेडिवल गुजरात सरेंडर्ड ड्यू टू द पोर्टुगीज़, तो ये है बहादुर शाह जफर। अगर आपने पढ़ा हो तो यहाँ पर 1535 में पोर्टुगीज गवर्नर डेकोना ने एक्सपीडिट किया था फॉर द कैप्चर ऑफ द टाउन ऑफ ड्यू, बट वो सुल्तान से डिफीट हो गया था। इसके बाद जो सुल्तान थे गवर्नर के गुजरात के बहादुर शाह किंगडम, वो ओवरवेलम्ड हो गए थे मुगल इन्वेजन से। फिर वहाँ पर एक तरफ उनका हुमायूं भी इनको प्रेशराइज़ कर रहे थे और दूसरी तरफ पोर्टुगीज़ भी थे, तो फिर उन्होंने असिस्ट किया बहादुर शाह जफर को, जो कि नंदू देकोना थे, अपने एनिमी के अगेंस्ट फाइट करने में। तो इस तरीके से उन्होंने, जब वो मुग़ल पीछे हो गए, हट गए, दूर हो गए, तो बहादुर शाह जफर ने अपने मिस्टेक को रियलाइज़ किया और पोर्टुगीज़ को अपना फोर्ट बनाने की इजाज़त दे दी। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज डेजिग्नेटेड टू द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, बेसिकली दैट वॉज चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है एंड दिस इज द क्वेश्चन दैट इज टोटली 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 अनएक्सपेक्टेड कि यूपीएससी पूछे, क्योंकि यूजली स्टेट पीसेस ही पूछते हैं इतने डायरेक्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिलेशन टू जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना बेसिकली आपका इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है, जहाँ पर हम पुअर प्रेगनेंट वुमेन को फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं कि आप बच्चा सेफ डिलीवर कर सकें। एंड इट्स ऑब्जेक्टिव इंक्लूड प्रोवाइडिंग पब्लिक हेल्थ टू सिक इन्फेंट्स अप टू 1 ईयर, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। एंड रेस्ट जो दूसरी स्टेटमेंट्स है, सेफ मदरहुड इन्वेंशन है, ये करेक्ट है। न्यूनेटल मेटर्नल मोर्टैलिटी को हम कम करने की बात करते हैं, दैट स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो पहले तीन स्टेटमेंट्स करेक्ट है, यू कैन रीड द एक्सप्लेनेशन हियर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरवेंशन बीन अंडरटेकन अंडर एनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटजी। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट प्रोवाइड प्रोफेलेटिक कैल्शियम सप्लीमेंटेशन फॉर प्री स्कूल चिल्ड्रन, एडोलेसेंट्स एंड प्रेगनेंट वुमेन। अब हम एनीमिया मुक्त भारत की बात करें तो एनीमिया तो आयरन डेफिशिएंसी से होता है ना, कैल्शियम तो थोड़ा होगा एनीमिया, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इट रन्स अ कैंपेन फॉर डिलेड कोड क्लैम्पिंग एट द टाइम ऑफ बर्थ, ये भी करेक्ट है। इट प्रोवाइड्स पीरियडिक डीवॉर्मिंग ऑफ चिल्ड्रन, डीवॉर्मिंग का एनीमिया से क्या रिलेशन है, ये भी गलत हो जाता है। इट एड्रेसेस नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेज ऑफ एनीमिया, ये एकदम सही है। तो यहाँ पर सिर्फ दो स्टेटमेंट्स सही है, तीन स्टेटमेंट सही हैं, बाकी दो गलत हैं, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कार्बन फाइबर्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कंपोनेंट्स यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड एयरक्राफ्ट। कार्बन फाइबर्स वंस यूज्ड कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, तो यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि दे कैन बी रिसाइकल। डिटेक्शन ऑफ कार क्लैश कोलिजन विच रिजल्ट्स इन द डिप्लॉयमेंट ऑफ एयर बैग्स ऑलमोस्ट इंस्टेंटली। डिटेक्शन ऑफ एक्सीडेंटल फ्री फॉल ऑफ अ लैपटॉप टुवर्ड्स ग्राउंड विच रिजल्ट्स इन द इमीडिएट टर्निंग ऑफ द हार्ड ड्राइव। डिटेक्शन ऑफ टिल्ट ऑफ द स्मार्टफोन विच रिजल्ट इन द रोटेशन ऑफ डिस्प्ले बिटवीन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप स्कोप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ एक्सेलेरोमीटर रिक्वायर्ड। बेसिकली ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, साइंस बेस्ड क्वेश्चन है एंड थोड़ा टेक्निकल है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं हो तो यू कैन लीव दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो यहाँ पर तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, यूजली अगर आपको डाउटफुल होता तो ये यूजली तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट ही होती हैं, जो कि फैक्चुअल लगती है आपको, स्टेटमेंट्स बेस्ड है, तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। विद रेफरेंस टू द रोल ऑफ बायोफिल्टर्स इन एयर सर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बायोफिल्टर प्रोवाइड वेस्ट ट्रीटमेंट बाय रिमूविंग अनईटन फिश फीड। बायोफिल्टर कन्वर्ट अमोनिया प्रेजेंट इन फिश वेस्ट टू नाइट्रेट। बायोफिल्टर इंक्रीज फॉस्फोरस एज न्यूट्रिएंट फॉर फिश इन वाटर। तो यहाँ पर सिर्फ दो स्टेटमेंट्स करेक्ट है, एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर वो फॉस्फोरस को नहीं बनाती फॉर द फिश टू सर्व एज इट्स न्यूट्रिएंट, क्योंकि इनके अंदर डू नॉट इनहेरेंटली इंक्रीज द कंसंट्रेशन, इनहेरेंटली नहीं करता। यहाँ पर बेसिकली जो इट इज़ ट्रू दैट सम अनईटन फिश फीड कैन एंटर द बायोफिल्टर डिकम्पोज। वो कई बार ऐसा होता है कि फिश मर चुकी होती है बायोफिल्टर में, फिर वो डिकम्पोज हो रही है, न्यूट्रिएंट्स रिलीज करे बैक इनटू द वाटर। जो कंट्रीब्यूशन रहता है फॉस्फोरस का फ्रॉम दिस सोर्सेज बहुत कम रहता है कंट्रीब्यूशन फॉस्फोरस का, तो फॉस्फोरस का इतना कंट्रीब्यूशन यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट ऑब्जेक्शन स्पेस एंड डिस्क्रिप्शन। ऑब्जेक्शन स्पेस सेफसाइट्स जायंट क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैस इन स्पेस। नेबुला स्टार्स विद ब्राइट एंड डिम पीरियडिकली। पल्सर्स न्यूट्रॉन स्टार्स दैट आर फॉर्मड व्हेन मैसिव स्टार रन्स आउट ऑफ फ्यूल एंड कोलैप्स। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट भी गलत है, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्योंकि जो पल्सर स्टार्ट होता है, जो कोर कोलैप्सेस होता है, क्रश टुगेदर करता है, तो वो जो उसका क्रश हो जाता है प्रोटोन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन में, और जो पल्सर इज अ न्यूट्रॉन स्टार, तो फिर थर्ड इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज इट्स ओन नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, दैट इज जापान। जापान का अपना सिस्टम दैट इज कॉल्ड ज़ेथान ज़ेनिथ सैटेलाइट सिस्टम। ये सैटेलाइट बेस्ड पोजिशनिंग सिस्टम है, जो कि प्रिसाइज पोजिशनिंग बताता है इन द एशिया ओशानिया रीजन। एंड बेसिकली यहाँ पर ये
दूसरे नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के साथ भी काम करता है, जैसे जीपीएस है, ग्लोनास है, रशिया का, गैलीलियो है, यूरोपियन यूनियन का। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है साइंस एंड टेक का। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स के ऊपर क्वेश्चन आया है। बैलिस्टिक मिसाइल्स आर जेट प्रोपल्ड एट सब सोनिक स्पीड थ्रू आउट देयर फ्लाइट, वाइल क्रूज मिसाइल्स आर रॉकेट पावर्ड ओनली इन द इनिशियल फेज ऑफ फ्लाइट। अग्नि 5 इज अ मीडियम रेंज सुपरसोनिक मिसाइल, वाइल ब्रह्मोस इज अ सॉलिड फॉर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो रॉकेट प्रोपल्ड होती है, और जो क्रूज मिसाइल होता है वो जेट प्रोपल्ड होती है। तो यहाँ पर ये इंटर चेंज होंगे स्टेटमेंट्स। अग्नि 5 ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, और जो ब्रह्मोस है मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया जाता है एयर में एंड देन फॉलो अ बैलिस्टिक ट्राजेक्ट्री। अगर आपने देखा हो, अगर हम बैलिस्टिक मिसाइल को रिलीज करते हो, पहले ऐसे जाएगा ऊपर, फिर उसके बाद ये नीचे की तरफ जाना शुरू कर देगा। और जो क्रूज मिसाइल होता है उसका जो ट्रांजेक्टरी पाथ होता है वो एकदम स्ट्रेट लाइन ही होता है। एंड यस, अग्नि 5 इज अ इंटरकनेक्टेड बैलिस्टिक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, मीडियम रेंज सुपरसोनिक है, ना कि सबसोनिक। एंड ये बेसिकली इंडियन रशिया का इनिशिएटिव है, जिसमें रेंज 290 किलोमीटर कवर किया गया है, एंड कन्वेंशनल न्यूक्लियर वॉरहेड को कवर कर सकता है। नेक्स्ट इट इज अबाउट कंसिडर स्टेटमेंट अबाउट मर्करी पोल्यूशन। गोल्ड माइनिंग इज अ मेजर सोर्स ऑफ मर्करी पोल्यूशन, दैट इज ट्रू। कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट कॉज मर्करी पोल्यूशन, देर इज नो सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर टू मर्करी। तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट होती है, क्योंकि मिनामोटो डिजास्टर जो हुआ था दैट वॉज ऑल्सो द रिलीज ऑफ मर्करी जापान में। विद रेफरेंस टू ग्रीन हाइड्रोजन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इट कैन बी डायरेक्टली यूज अ फ्यूल फॉर इंटरनल कंबशन, कैन बी ब्लेंडेड विद नेचुरल गैस, यूज अ फ्लूड फ्यूल फॉर हीट और पावर जनरेशन, कैन बी यूज द हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स टू रन व्हीकल्स। तो यहाँ पर भी तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है। जो ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं डायरेक्टली वो तीनों ही करेक्ट होती हैं। अब कंट्रीज़ का बताया है, तो यहाँ पर बताया है कंट्री कौन सी बॉर्डर शेयर कर रही है यूक्रेन के साथ। ये तो बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, दैट वाज अ कोई भी कॉमन सेंस लगा था कि रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो उनकी ज्योग्राफी देख लें, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आना ही आना था। ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था। बल्गेरिया, चेक रिपब्लिक, हंगरी, लिटावे, लिथुआनिया, रोमानिया, एक बार मैप देख लेते हैं कौन सी कंट्री कहाँ पर टच कर रही है। दिस इज़ यूक्रेन, सो टच कर रहा है बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, मल्डोवा, रोमानिया एंड रशिया। बुल्गेरिया नीचे आता, दैट वॉन्ट बी टचिंग इट्स बॉर्डर। विद रेफरेंस टू अर्थ एटमोसफेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। द टोटल अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रिसीव्ड एट द इक्वेटर इज रफली 10 टाइम्स दैट ऑफ द रिसीव्ड एट पोल्स। नो नो नो, ये बेसिकली 2 to 3 टाइम, 10 टाइम तो नहीं होगा, बेसिकली 2 टाइम्स ही है, राइट? 2 टाइम्स ही ये इंसुलेशन रिसीव करता है इक्वेटर पर। इन्फ्रारेड कॉन्स्टिट्यूट रफली 2/3 ऑफ द इंसुलेशन। नो, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ये 1/3 को कंस्टिट्यूट करता है। इन्फ्रारेड वेव्स आर लाइजली ऑब्जर्व बाय वाटर वेपर दैट इज कंसनट्रेटेड इन द लोअर एटमोसफेयर। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। इन्फ्रारेड वेव्स आर पार्ट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ सोलर रेडिएशन, दैट इट इज इनकरेक्ट, क्योंकि जो वाटर वेपर है वो अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस है, एंड ये इन्फ्रारेड रेडिएशन को ऑब्जर्व करता है सर्फेस में एंड री एमिट्स इट बैक टू द सर्फेस। एंड ये प्रोसेस जो ट्रैप करता है हीट को एटमोसफेयर को, यही कॉन्ट्रीब्यूट करता है आपके ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट को। क्वेश्चन नंबर 63, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द सॉइल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। नो, दैट इज इनकरेक्ट, क्योंकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बारिश ज़्यादा होती है, बारिश ज़्यादा होगी तो रन ऑफ ज़्यादा होगा, रन ऑफ ज़्यादा होगा तो वहाँ पर इनफर्टाइल होगी सो सॉइल, ना कि फर्टाइल। एंड टेम्परेचर एंड मॉइस्चर ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कॉजेज डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल टू डिकम्पोज क्विकली। यस, दैट इज करेक्ट, क्योंकि हाई टेम्परेचर होगा तभी, ज़्यादा बारिश हो रही है हीटअप की वजह से, लो एयर प्रेशर क्रिएट हो रहा है, दैट इज वाई वहाँ पर डेड ऑर्गेनिक मैटर भी ज़्यादा होगा। दैट इज वॉट स्टेटमेंट 1 इज इन करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन कंटिनेंट्स एंड ओशन इज ग्रेटर ड्यूरिंग समर देन इन विंटर। द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मोर देन दैट ऑफ लैंड सर्फेस। तो आपको यहाँ पर बेसिकली ये भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा टेम्परेचर वेरिएशन सही है। तो बेसिकली अगर हम टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट की बात करें कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस की, और वो ज़्यादा रहता है समर की तरफ देन इन विंटर, एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की वो ज़्यादा रहती है पानी में, क्योंकि पानी जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है। तो यहाँ पर भी दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट होते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। यहाँ पर यू कैन गो थ्रू द एक्सप्लेनेशन इफ़ यू वॉन्ट, क्योंकि जो वाटर है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है लैंड से ज़्यादा होती है, क्योंकि जो वाटर है वो एब्जॉर्ब करता है हीट को एंड ज़्यादा देर तक रिटेन भी करता है, लेकिन जो लैंड है उसको थोड़ा टाइम लगता है हीटअप होने में। तो अगर हीटअप भी होता तो उसको इतना टेम्परेचर राइज नहीं होता इन कंपेरिजन विद वाटर।
Next is also geography question. In seismograph, P waves recorded earlier than S waves. In P waves, the individual particles vibrate to and fro in the direction of wave propagation, whereas S waves, the particles vibrate up and down at right angles to the direction of wave propagation. So which of the following statements are correct? ये दोनों ही statement correct है. Basically 11th class के NCERT से आया है, physical geography से. अगर आपने वहाँ पर एक diagram देखा होगा जो कि बता रहा है P waves ऐसे होती हैं या S waves ऐसे होती हैं, अगर आपने geography पढ़ी है तो ये क्वेश्चन आप easily सॉल्व कर सकते हो. ऐसा क्वेश्चन गलत हो तो दैट मीन्स यू आर नॉट प्रिपेयरिंग वेल फॉर द UPSC. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट इन इंडिया. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. नन ऑफ देम इज सेटअप इन वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट. नन ऑफ देम यूज सी वाटर. नन ऑफ देम प्राइवेट ऑनली. ये जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स आते हैं नन नन नन, ये बेसिकली तीनों ही गलत हैं क्योंकि एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स यूजली गलत होती हैं. यहाँ पर जो आंसर है दैट इज डी. वोल बाचियो मेथड समटाइम्स टॉक्स अबाउट विद रेफरेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग. बेसिकली आपका वायरल डिसीजेज है जो कि मॉस्क्यूटो से स्प्रेड होता है, तो उससे ये रिलेटेड है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. स्प्रेडिंग फाइनली ग्राउंड बसाल्ट रॉक ऑन फार्म लैंड एक्सटेंसिवली. इंक्रीजिंग द अल्कलिनिटी ऑफ ओशंस बाय एडिंग लाइम. कैप्चरिंग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय वेरियस इंडस्ट्रीज एंड पंपिंग इट इनटू अबंडेंट सबटेरेनियन माइंस इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेटेड वाटर. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर ऑफन कंसिडर्ड एंड डिस्कस्ड फॉर कार्बन कैप्चर एंड सीक्वेंसिंग. तो जहाँ पर हम बात करें कि कार्बन कैसे कैप्चर किया जाए, एटमोसफेयर से लाकर दबाया जाए ताकि हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो सके, तो इसके लिए ऑप्शन तीनों ही करेक्ट है. यहाँ पर फाइनली राउंड बसाल्ट रॉक होती है जो कि एक्सटेंसिवली कवर करती है. अगर हम जो आपका ओशन है उसके अंदर एलिकनिटी को बढ़ा दें, एसिडिटी को कम कर दें, तब भी हम कार्बन को कैप्चर कर रहे हैं एंड काफ़ी ज़्यादा हम पंपिंग या उसको अबंडेंट साइड पर भी डिकम्पोज कर सकते हैं, उनको वहाँ पर सीक्वेंस कर सकते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन इज एरियल मेटाजिनोमिक्स रेफर्स टू द फॉलोइंग. बेसिकली कलेक्टिंग DNA सैम्पल्स फ्रॉम एयर इन द हैबिटेट एट वन गो. अगर आप ये क्वेश्चन नहीं भी पढ़ा, अगर आपने इसके बारे में कहीं पर नहीं पढ़ा, न्यूज़ भी फॉलो नहीं की, तो यू कैन ईजली हैव गेस द वर्ड बिकॉज जिनोमिक्स आपको साइंस से रिलेटेड है, तो DNA से रिलेटेड ये जिनोम से हो सकता है. अगर थोड़ा सा इंटेलिजेंट जैसे यहाँ पर लगाते तो ये ऑप्शन आप करेक्ट कर सकते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइक्रो सेटेलाइट DNA इज यूज विच ऑफ द फॉलोइंग. बेसिकली ये भी स्टडिंग रिलेशनशिप करता है ऑफ स्पेशीज ऑफ फौना द एवोल्यूशनरी वेरियस अमंग. तो बेसिकली इट डिस्कसेस कि कैसे जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स है स्पेशीज ऑफ फौना के, उनको डिस्कस करता है कि कैसे वो एवॉल्व हुए हैं, कैसे रिपीटेटिव DNA है वो फाइंड हुआ है सभी जीनोम्स में. एंड ये माइक्रो सेटेलाइट शोर्स होते हैं, 10 रिपीट्स ऑफ द DNA सिक्वेंसेज, रिलेटिवली 1 to 6 न्यूक्लियोट्स इन देम. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इंडिया. अकॉर्डिंग टू MSME एक्ट, द मीडियम इंटरप्राइजेज आर दोज विद इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी बिटवीन 15 crore to 25 crore. नो, दैट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट क्योंकि इसका जो रेंज है दैट शुड नॉट बी मोर देन 50 crore. एंड जो टर्न ओवर है दैट शुड नॉट बी मोर देन 250 crore. ऑल लोन्स, ऑल बैंक लोन्स टू MSME क्वालिफाई अंडर प्रायोरिटी सेक्टर. That statement is also incorrect क्योंकि जो गवर्नमेंट है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ईज आउट तो किया है कि MSME को लोन दिया जा सके, लेकिन जो अगर हम प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग की बात करें, वो बेसिकली ऑल बैंक लोन्स टू MSME कन्फर्मिंग टू द कंडीशंस प्रिस्क्राइब, जो भी कंडीशन है उसके बेसिस पर आपको जस्टिफाई करना है whether this particular industry is falling for priority sector or not directly. नहीं तो यहाँ पर यह भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है. इफ़ यू हैव टू एलिमिनेट यू कुड हैव एलिमिनेटेड दिस. क्वेश्चन 72 विद रेफरेंस टू सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इट इज़ पॉसिबल टू मेक पेमेंट्स इन डिजिटल करेंसी विदाउट यूजिंग US डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम. अ डिजिटल डिस्ट्रीब्यूटेड करेंसी कैन बी विद अ कंडीशन प्रोग्राम इन टू सच अ टाइम फ्रेम फॉर स्पेंडिंग इट. दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर आपको US डॉलर या स्विफ्ट सिस्टम की जरूरत नहीं होती, यहाँ पर कोई भी सेंट्रलाइज एजेंसी नहीं होती, बट यहाँ पर कंडीशन प्रोग्राम हो सकता है क्योंकि कैन भी है तो पॉसिबिलिटी हर एक चीज़ की रखनी चाहिए. एंड अगर आप UPSC दे रहे हो तो यू शुड हैव दिस थिंग इन ऑल्सो माइंड कि हाँ अगर ये नहीं तो शायद अगर कुछ और सिस्टम बन जाए, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, देर आर चांसेज. सो यस, दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. इन द कंटेक्स्ट ऑफ फाइनेंस द टर्म बीटा रेफर्स टू. बेसिकली न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो कि फ्लक्चुएशन दिखती है स्टॉक मार्केट में. सो ये अगर आपने सुना है न्यूज़ में तो यू कुड हैव इजली, अदरवाइज इट्स डिफिकल्ट टू गेस हेयर, सो यू कैन हैव लीव दिस क्वेश्चन.
Question 74. The self-help group program was originally initiated by SBI by providing microcredit to the financially deprived. In a self-help group, all members of a group take responsibility for a loan that an individual member takes. That is correct. The regional rural banks and scheduled commercial banks support this self-help groups. तो बेसिकली यहाँ पर सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि एस बी आई क्यों लेगा यार एस बी सेल्फ हेल्प ग्रुप का, नबार्ड लेता है ना ये सब काम, ना कि एस बी आई. तो यहाँ पर नबार्ड लेता है ना कि एस बी आई. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इंडियाज पब्लिक हेल्थ सेक्टर केयर सिस्टम लार्जली फोकस ऑन क्यूरेटिव केयर विद लिमिटेड प्रिवेंटिव प्रमोटिव एंड रिहैबिलिटेटिव केयर. अंडर इंडियाज डिसेंट्रलाइज अप्रोच टू हेल्थ केयर डिलीवरी द स्टेट्स आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ सर्विसेज. तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट. बेसिकली दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, बट जो सेकंड स्टेटमेंट है दैट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट, क्योंकि दोनों ही डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंडिया की पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम की, जो कि फोकस कर रहा है इन इन चीज़ों पर. अब यहाँ पर बात कर रहा है कि जो हेल्थ केयर डिलीवरी है वहाँ पर स्टेट्स रिस्पॉन्सिबल, तो इसका डायरेक्टली इससे कोई रिलेशन नहीं है. दैट इज वाई दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन टू दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट. Next question is, according to UN World Water Development Report, India extracts more than a quarter of the world's groundwater withdrawal every year. Yes, India बहुत पानी निकालता होगा मान लेते हैं. Second, India needs to extract more water, groundwater to satisfy the drinking water and sanitation needs. No, India को जरूरत होती है irrigation के लिए. खेती बाड़ी इंडिया में इतनी है, हम पीने के लिए नहीं इतना हम निकालेंगे जितना we'll use for irrigation. That is what first statement is correct, second statement is incorrect. This is also a जर्नलाइज क्वेश्चन, ये गेस हो सकता था थोड़ा सा अगर इंटेलिजेंट गेस लगाते तो. अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट स्टेट्स फ्रॉम इंटरनल डिस्टर्बेंसेज. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एग्जाम्स द स्टेट फॉर प्रोवाइडिंग लीगल काउंसिल टू अ पर्सन बींग हेल्ड फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन. अकॉर्डिंग टू द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, कन्फेशन ऑफ द अक्यूज बिफोर द पुलिस कैन नॉट बी यूज एज एन एविडेंस. ये आपका आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स का क्वेश्चन है. विच आर्टिकल टेल मी. तो यहाँ पर देखते हैं, बेसिकली एक ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, बाकी दो स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है. क्योंकि अगर हम आर्टिकल 355 की बात करें, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि हमें इंटरनल डिस्टर्बेंसेस को बचाना है कि स्टेट्स में ना हो, और ये आर्टिकल आता है 22 के अंदर जो कि गारंटी करता है राइट टू लीगल काउंसिल. बट यहाँ पर आर्टिकल जो सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन बी है strips this article from person arrested or detained in the preventive detention law. जहाँ पर अगर कोई बंदा preventive detention law के under arrest हुआ तो उसको right to counsel नहीं दिया जाएगा. And जो terrorism act है इसके अंदर भी बताया गया है, confession accused का पुलिस के सामने उसको आप as an evidence use कर सकते हो. Section 32 ये भी बताता है कि जो confession है वो उसी के against भी use हो सकता है अगर पुलिस चाहे तो, अगर उसमें ऐसा कुछ hint मिल गया है that can be used against him also. Which of the following countries have been suffering from decades old strife? ये तो बहुत आसान है, जो सोमालिया है जहाँ पर सोमालिया का बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चलता है, इट्स अ वेरी ईजी क्वेश्चन क्योंकि फेमाइन भी यहाँ पर होती है, सिविल स्ट्राइफ भी चल रही है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर. ये तो डैट दिस कैन बी ईजली एलिमिनेटेड. इन इंडिया बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटीज आर की टू द रियलाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ नैगोया प्रोटोकॉल. द बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटीज हैव इंपॉर्टेंट फंक्शन इन डिटरमाइनिंग एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, including the power to levy collection fees on the excesses of biological resources within its jurisdiction. Yes, both the statements are correct. क्योंकि जो biodiversity management committees हैं यही major role play करती है in the balance and benefit sharing and excess of genetic resources. Next question is about with respect to the election of president. The nominated members to either house of the parliament or the legislative assemblies of the states are eligible to be included in the electoral college. Higher the number of elected assembly seats, higher is the value of vote of each MLA of that state. The value of vote of each MLA of MP is greater than that of Kerala. The value of vote of each MLA of Puducherry is higher than that of Arunachal Pradesh, because the ratio of total population to the total number of elective seats in Puducherry is greater as compared to Arunachal state. So which of the following statements are correct? So basically, sirf ek hi statement correct hai. Dekhte hain ek baar discussion iska dekh lete hain ki article 54 ke andar bataya gaya hai kaun kaun se इलेक्टोरल कॉलेज में मेंबर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट. यहाँ पर आते हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज इंक्लूडिंग नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, द मेंबर्स नॉमिनेटेड टू ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स. यहाँ पर भी दोनों यूनिटीज का आएगा, बट दे आर नॉट इंक्लूडेड टू द इलेक्टोरल
को लंच, तो दैट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. जो वैल्यू ऑफ एम एल ए है वो बेसिकली हम फॉर्मूला से डिसाइड करते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट एंड कितने उसमें इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एंड इट इज़ नॉट सोनली बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव सीट्स. तो सिर्फ इलेक्टिव सीट्स के बेसिस पर नहीं, बेसिकली हम पॉपुलेशन के बेसिस पर भी डिटरमाइन करते हैं. द वैल्यू वोट ऑफ ईच एम एल ए ऑफ एम पी इज 131, विच इज़ लेस देन दैट ऑफ केरला विच इज़ 152. तो केरला के एम एल ए की वोट ज़्यादा है, वैल्यू ज़्यादा है. द वैल्यू ऑफ एम एल ए ऑफ पुडुचेरी 16, एंड ये ज़्यादा है अरुणाचल प्रदेश से, क्योंकि उसकी 16 है इसकी 8 है, बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन रेशियो. सो दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट. विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, अलेक्जेंडर रेया, ए एच लॉन्गहार्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गर्स वर लेटर एडिट. अगर आपने थीम्स ऑफ एंशियंट इंडिया पढ़ी है, क्योंकि आप अलेक्जेंडर रिया के नाम से ही बहुत फेमस चल रहा, उसमें बहुत बार आया है, तो बेसिकली ये एक्सकवेशन से रिलेटेड है, आर्कोलॉजिकल एक्सकवेशन से, एंड इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया है रिगार्डिंग रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन, प्रिजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल साइट्स एंड आर्टिफैक्ट्स. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एंड आपको बताना है कि द साइट्स आर वेल नोन फॉर बेसनगर इज शिवाट केव श्राइन, भाजा इज बुद्धिस्ट केव श्राइन, सितनवसल इज जान केव श्राइन. तो ये आपको बताना है. तो यहाँ पर बेसिकली सिर्फ दो ही पेयर करेक्ट हैं. तो यहाँ पर देख सकते हो, अगर आपने पढ़ा है, जो सीतावनसल केव श्राइन है वो बेसिकली इट इज़ रिलेटेड टू द जाना केव्स. देन वी टॉक अबाउट द हियाना एट द बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में आता भाजा, जनता, नासिक, करलियन, कन्हेरी. ओके, नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. 7th August इज डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल हैंडलूम डे. इट वॉज इन 1905 दैट द स्वदेशी मूवमेंट वॉज लॉन्च ऑन द सेम डे. यस बिल्कुल, क्योंकि नेशनल हैंडलूम डे हमने तभी बनाया था जब हम अपना स्वदेशी गुड्स को प्रमोट कर रहे थे 1905 में, जब तिलक ने प्रमोशन किया था इस पर्टिकुलर थिंग का, कि अब हमें अपने ही प्रोडक्ट्स का यूज़ करना है, फॉरेन प्रोडक्ट्स का हमें बहिष्कार करना है, वी आर अबैंडनिंग फॉरेन प्रोडक्ट्स. सो दैट इज व्हाट हैज मेड दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट करेक्ट, एंड इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1. विद रेफरेंस टू नेशनल फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, ये अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, डायरेक्ट टेक्निकल क्वेश्चन है, जो यूपीएससी तो नहीं पूछती ऐसे क्वेश्चन, बट इस बार पूछ लिया है. ये ऐसे क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में ज़्यादा आते हैं, बट चलो पूछ लिया तो वी हैव टू आंसर इट. दो नंबर का सवाल है. वन ऑफ द स्टैंडर्ड साइज ऑफ नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज 600 mm टू 400 mm, दिस इज रॉन्ग. द रेशियो ऑफ द लेंथ टू द हाइट ऑफ द फ्लैग शुड बी 3:2, दिस इज करेक्ट. तो यहाँ पर हो जाता है आपका स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर डिमेंशंस गिवन है, इट शुड बी 63 से 4200. विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन डे, द कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेट 26 November, बिल्कुल सही है, टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज अमंग सिटीजंस. एंड इसी दिन द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली सेट अप ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप टू प्रिपेयर ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन. नहीं, 1949 में तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था, तो हम उसी दिन ड्राफ्ट कमेटी को कैसे बनाएंगे? नो, ये तो उसके पहले ही हो गई थी हमारी, 3 साल पहले. ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने का 3 साल से भी ज़्यादा टाइम लगा था, तो इसलिए 1949 तक तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर रेडी हो गया था, एंड लागू कब हुआ था? ऑन 26th of January. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, स्विट्जरलैंड इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर्स ऑफ गोल्ड इन टर्म ऑफ वैल्यू. स्विट्जरलैंड हैज द सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व इन द वर्ल्ड. तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज करेक्ट, अगर हम टर्म्स की वैल्यू की बात करें तो स्विट्जरलैंड सबसे ज़्यादा करता है, बट सबसे ज़्यादा रिजर्व्स तो नहीं है स्विट्जरलैंड के पास, छोटा सा तो कंट्री है, कैसे होगा सबसे ज़्यादा रिजर्व? इसके पास 7th largest रिजर्व है. ओके, एंड जो 7th है ये सेकेंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व नहीं है. इट हैज़ अ लार्ज सप्लाई ऑफ गोल्ड टू एक्सपोर्ट. फर्स्ट आता है आपका यूएसए एंड इंडिया है 9th पर. Recently, the United States of America and the EU have launched a Trade and Technology Council. The EU and USA claim that through this, they are trying to bring technological progress and physical productivity under their control. No, they are not trying to bring anything under control, but it is just ki haan, it's a Trade and Technology Council. Ki aapka trade facilitate ho jaye. Basically, iske liye hota hai, kuch bhi under control ya productivity nahi lane ke liye, ye sab cheeze nahi hoti. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज अबाउट इंडिया अकाउंट फॉर 3.2% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स. मैनी लोकल कंपनीज सम फॉरन कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया हैव टेकन एडवांटेज ऑफ इंडियाज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम. ऑब्वियसली दे हैव टेकन बेनिफिट ऑफ इंडिया प्रोडक्शन इंसेंटिव स्कीम. ये बेसिकली डोमेस्टिक और फॉरन कंपनीज दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा फायदेमंद हुआ है. तो यहाँ पर बेसिकली फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि इंडिया का इतना एक्सपोर्ट नहीं होता, इतना इम्पोर्ट होता है, अगर आपको पता हो. क्योंकि ये डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चन दिया हुआ है कि इंडिया अकाउंट्स फॉर 3.2%, नो इंडिया 3.5% है. तो
पॉइंट का ही फर्क है, बट स्टिल हम इसको इनकरेक्ट ही मान रहे हैं। बाकी डिपेंड्स अपॉन यूपीएससी, अगर आसपास का बोलेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट ऑफ द ईयू इज अ ट्रीटी दैट लिमिट्स द लेवल ऑफ बजटरी डेफिसिट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन, मेक्स द कंट्रीज ऑफ द ईयू टू शेयर देयर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, इनेबल्स द कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन टू शेयर देयर टेक्नोलॉजीज। अब बेसिकली इसमें सिर्फ एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो मेजर इसका है वो बाइंडिंग डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट होता है, इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट किया जाता है ताकि आप इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन के तहत अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को स्टेबल कर सको। यहाँ पर ये भी बताया जाता है कि जितनी आपका अर्निंग है उसके अकॉर्डिंग आपको स्पेंड करना चाहिए और आपको साउंड फाइनेंशियल पॉलिसीज को लेकर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रिसेंटली All countries of UN have adopted 5-ever compact for international migration, the global compact for safe, orderly and regular migration. The objective stated are binding on the, नहीं ये तो extreme statement है, that is not binding, वो भी migration से related, no. The global compact for safe, orderly and regular migration addresses internal migration, internally displaced people. Also, limits objective and commitments, no, that is also incorrect. ये basically word का फर्स्ट इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटेड एग्रीमेंट है जिसके अंदर इंटरनेशनल माइग्रेशन से रिलेटेड सारी डायमेंशन को कवर किया गया है। 163 कंट्रीज ने इसको अडॉप्ट किया है एंड ये सिर्फ इंटरनेशनल माइग्रेशन की बात करता है, इंटरनल माइग्रेशन की बात नहीं करता। यूएसए ने इसको में पार्टिसिपेट नहीं किया है, इट इज़ नॉट बाइंडिंग। With reference to the Home Guard, consider the following statements. Home Guards are raised under the Home Guards Act and rules of the central government. The role of Home Guards is to serve as an auxiliary force to the police in maintenance of the internal security. The present infiltration on the international borders, coastal areas, border wings, Home Guard battalions have raised in some states. How many of the statements are correct? Basically, यहाँ पर सिर्फ दो ही statement correct हैं। देखते हैं कौन-कौन से statements correct हैं। दिल्ली होमगार्ड को रेज किया जाता है अंदर बॉम्बे होमगार्ड्स एक्ट, तो यहाँ ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ये नहीं आती है। बेसिकली होमगार्ड वॉलेंट्री फोर्स है, इसको बताया गया था कि अगर कोई भी इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रही है तो दे आर बेसिकली देयर टू असिस्ट पुलिस टू प्रिवेंट कम्युनल राइट्स एंड टू मैनेज दैट पर्टिकुलर थिंग। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो आपको बताना है कौन सी चीज़ें कौन से एक्ट के अंदर कवर की गई हैं। अनऑथराइज वेयरिंग ऑफ पुलिस और मिलिट्री यूनिफॉर्म्स, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, नोइंगली misleading or otherwise interfering with a police officer or military officer when engaged in the duties, the Indian Evidence Act, celebratory gunfire which can endanger the personal safety of the others, the Arms Amendment Act 2019, वो तो पढ़ेंगे करेक्ट मैच। तो यहाँ पर सिर्फ दो ही स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम बात करें, ये बिल्कुल सही है, पहली स्टेटमेंट ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर आता है, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म्स, फॉल्सिफिकेशन ऑफ रिपोर्ट्स, फोर्जरी पोल्यूशन एंड फॉल्स डॉक्यूमेंट्स। एंड यहाँ पर ये भी बताया गया है कि नो पर्सन इन द विसिनिटी ऑफ एनी प्रोहिबिटेड प्लेस शैल ऑब्स्ट्रक्ट, नोइंगली मिसलीड और अदरवाइज इंटरफेयर विद और इम्पेयर्ड एनी पुलिस ऑफिसर और एनी अदर मेंबर इंगेज्ड ऑन गार्ड। द थर्ड पेयर है द आर्म्स अमेंडमेंट एक्ट, इंश्योर दैट दोज फायर आर्म्स इन रैश और नेग्लिजेंट मैनर इन सेलिब्रिटी गन फायर एंडेंजरिंग ह्यूमन लाइफ और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर शैल बी पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट ऑफ 2 years और फाइन। बेसिकली ये सेकेंड स्टेटमेंट है, दैट इज इनकरेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रीजन मेंशन इज न्यूज एंड रीजन उनका, नॉर्थ केवू एंड इटोरी वॉर बिटवीन आर्मेनिया एंड अजरबैजान, दैट इज रॉन्ग, नगोरा एंड काराबख इंसर्जेंट इन मोजाम्बिक, खारजन एंड अपोरी जिहाद डिस्प्यूट बिटवीन इजराइल एंड लेबनान, तो ये यहाँ पर कोई भी सही नहीं है। अगर हम बात करें नॉर्थ केवू एंड इटोरी का, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो का पार्ट है। अगर हम बात करें नगोया काराबख, ये है अजरबैजान का इशू एंड आर्मेनिया का इशू। रशिया ने जो हमारा थर्ड है वहाँ पर ये रशिया का रिफेंडम हुआ था, जो कि बात करें रशिया को ज्वाइन करें इन द यूक्रेनियन रीजन में आते हैं ये, तो ये बेसिकली रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट में से प्लेसेस आई हैं। तो ये जो प्लेसेस हैं ये न्यूज़ में आई हैं, तो पढ़ा होगा तो आपको ये ज़रूर याद होगा। क्वेश्चन नंबर 94, इज़राइल हैज़ इस्टेब्लिश्ड डिप्लोमेटिक रिलेशन विद सम अरब स्टेट्स, दैट इज ट्रू। ऑब्वियसली रिलेशन तो हम सब के साथ बनाते हैं, तो इज़राइल ने बनाया, तो इट्स You can mark this particular statement correct. The Arab peace initiative mediated by Saudi Arabia was signed by Arab and Arab League. No, this statement is wrong. क्योंकि Arab League ने sign नहीं किया है. Basically, यहाँ पर Middle East ने इसको endorse किया था, ना कि Arab League ने. Consider the following pairs with regards to sports awards.
Major Dhyan Chand Khel Ratna Award for the spectacular outstanding performance by sportsperson over a period of last 4 years. Arjuna Awards for the Lifetime Achievement, Dronacharya Award for the Eminent Coaches, Rashtriya Khel Prosahan to recognize contribution made by sportsmen. Which of the following pairs are correct? So, yahan par bhi do hi correct hai. Kyunki jo Arjuna Award hai, wo aapko consistent outstanding performance ke liye diya jata hai. And jo Khel Prosahan Award hai, wo aapko diya jata hai visible role in the area of sports promotion and development ke liye. So, ye dono statement correct, galat thi. Consider the following statement with respect to 44th Chess Olympiad. It was the first time the Chess Olympiad was held in India. This is correct. The official mascot was Thambi. This is correct. The trophy for winning team in the open section in the where is the Vera Minjik Cup. The trophy for winning team in the women's section is Hamilton Russell Cup. So basically, yahan par do hi statement correct hai. Last ke do statement galat hai. Kyunki jo official mascot wo Thambi hai. This statement is correct. The winning trophy open section wo Hamilton Russell Cup and women section ki Vera Minjik Cup hai. So UPSC ne yahan par thoda khelne ki koshish kari hai. यहाँ पर इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया है. ये बच्चों वाला काम था है. अगर हम क्वेश्चन पेपर बना रहे तो शायद हम ये काम करते कि इसको ऐसे चेंज कर दें, बट यूपीएससी एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो ये काम भी कर सकता है. एनीवे यूपीएससी ऑल इज अबाउट अनएक्सपेक्टेशंस, अनएक्सपेक्टेड थिंग, अनसर्टेनिटी. तो उन्होंने वो प्रूव कर दिया. नेक्स्ट इज अबाउट एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड कंट्रीज. डनबास, सीरिया, काचीन, इथोपिया, टिग्रे, नॉर्थ एवन. टिग्रे का टिग्रेस रिवर कहाँ पर आती है? अगर आपको ये पता है देन यू कुड हैव इजीली सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. डनबास आती है यूक्रेन में, क्योंकि अगर आपने पढ़ा होगा ये रिवर का भी नाम है. काचिन ये आता है म्यांमार में, एंड जो टिग्रेस है नदर इथोपिया का पार्ट है. तो ये आता है आपका, इट इज़ नॉट रिलेटेड विद नॉर्थ यमन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 98. इन द रिसेंट ईयर चड, गिनी, माली, सूडान कॉट इंटरनेशनल अटेंशन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन. ऑब्वियसली यहाँ पर कूप्स हुए हैं, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी था. अगर आप फॉलो कर रहे हो, दो तीन साल से प्रिपेयर कर रहे हो, तो यू कुड हैव इजीली डन दिस. जो चड हुआ था वहाँ पर 2021 में हुआ था, गिनी में 2021 में, माली में 2020 में, आम सूडान में 2019 में. यहाँ पर मिलिट्री कूप हुआ था जहाँ पर हमने गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया था. क्वेश्चन नंबर 99. कंसिडर द फॉलोइंग हैवी इंडस्ट्रीज, फर्टिलाइजर प्लांट, oil refineries, steel plants. Green hydrogen expected to play a significant role in decarbonizing how many of the above industries? So obviously तीनों में ही होगा ये. So that question is easy and direct. Last question is question number 100. Consider the following statement about G20. ये तो होना ही था, क्योंकि अभी जुलाई में इंडिया G20 समिट को होस्ट कर रहा है. तो that was expected question. The first statement is G20 was originally established as a platform for finance ministers and central bank governors to discuss international economic and financial issues. That is correct. Digital public infrastructure is one of the G20 priorities. Yes, this is also correct. So, yahan par dono hi statements correct hain. Isko established 1999 mein kiya tha taki aap international financial issues ko discuss kar sake. And priority areas kaun kaun se hai? Strengthening global health architecture, digital public infrastructure, sustainable energy transitions and inclusive growth and development. So these are the particular four priority areas of G20 presidency in 2023. Digital public infrastructure is one of the India's G20 priorities, and yahan par India leader raha hai is particular development of public health infrastructure mein, such as Aadhaar identity system and UPI. India work kar raha hai to develop national digital health mission taki wo health services provide kar sake apne sabhi citizens ke liye. So this statement is also correct. So that was about UPSC exam जो कि अब आया है 2023 में. काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था. कट ऑफ एक्सपेक्ट हो सकती है 80-84 के बीच में. लेट जस्ट सी रिजल्ट भी आने वाला है क्या होता है. जो भी हो, जैसा भी आपका रिजल्ट आए, यू डोंट हैव टू गेट डिसहार्टन. आपको मोटिवेशन बनाकर रखना है, आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि पेपर का कोई भरोसा नहीं है. पेपर ऐसा ही आएगा, अगली बार कुछ और नया लेवल आएगा. तो ये सबके लिए ही है, आप सिर्फ आपके लिए नहीं है कि आपने कम पढ़ा या अच्छे से नहीं पढ़ा. नो, द लेवल इज़ सेम फॉर ऑल. सब ने उतना ही पढ़ा है, उसी जगह से पढ़ा है. कोई अलग से किताब नहीं आती यूपीएससी के लिए. जो आप पढ़ रहे हो वही सब ने पढ़ा है. तो इतना डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है. यूपीएससी जस्ट एन एग्ज़ाम, इट इज़ नॉट योर लाइफ. सो बस चलते रहिए, बढ़ते रहिए, आगे करते रहिए, कुछ ना कुछ आपको अपनी मंजिल मिल जाएगी. यूपीएससी नहीं तो स्टेट पीसीएस के भी काफ़ी सारे एग्जाम्स आते हैं. देयर आर मेनी अदर थिंग्स, सो यू डोंट हैव टू गेट डिसहार्टेंड. पेपर को दोबारा गो थ्रू करिए, समझने की कोशिश करिए एग्ज़ाम को कि यूपीएससी किस तरह से पैटर्न चेंज कर रहा है, या कैसे क्वेश्चन पढ़ रहा है, या फिर आपको किस तरह की अप्रोच रखनी चाहिए वाइल स्टडिंग योर
टॉपिक्स. ओके, सो ऑल द बेस्ट, एंड जो भी होगा अच्छा होगा आपके लिए ही और आपके फेवर में होगा, इतना विश्वास जरूर रखिए. अगर बाय चांस पेपर ना भी हुआ तो डोंट वरी, एवरीथिंग विल गो अकॉर्डिंग टू योर प्लान जो कि ऑलरेडी डेस्टिनेड है, इजंट इट. सो जस्ट बकल अप योरसेल्फ, दोबारा से लग जाइए, प्रिपरेशन शुरू करिए, मेंस की प्रिपरेशन करिए, ऑप्शनल प्रिपेयर करिए, रिजल्ट आएगा, देखा जाएगा, बस अपनी हिम्मत बनाए रखना. ओके, सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.